नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पश्चिम बंगाल में आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें संदेश खली, कूच बिहार और उत्तरी दिनाजपुर में हुई घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त किया गया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है जैसे कानून और व्यवस्था केवल शब्द कोशों तक सीमित हो गई है। संदेश खाली, कुछ बिहार और उत्तरी दिनाजपुर की घटनाएं सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। निर्दोष नागरिकों, खासकर महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीड़न पूरी तरीके से निंदनीय है। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटनाएं हमें तालिबान शासन की याद दिलाती हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और अपमान से सभी अत्यंत व्यथित हैं। वहीं इस मामले में सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही पीड़ित महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उपचार की व्यवस्था की जाए और उनके पुनर्वास का ध्यान रखने की बात कही। मैं नम्रता शुक्ला, भाजपा नेत्री, आज जागरूक मातृशक्ति मंच की महिलाओं के साथ लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में मुख्य चर्चा का विषय बंगाल में संदेश खली, कूच बिहार, चौपड़ में हो रहे महिलाओं और बालिकाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का विषय मुख्य था। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, बंगाल को आदि शक्ति देवी का स्थल माना जाता था। आज वहाँ पर नारी बलि का केंद्र बन चुकी है, वहाँ पर असुरों का वास हो चुका है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हुए हैं वो बहुत ही भयावह है। राष्ट्र के लिए ये काले अध्याय के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार बराबर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि बंगाल की महिलाओं की बागडोर एक बहुत ही संकुचित विचारधारा रखने वाली महिला के हाथ में है। मैं आपसे विनती करूंगी कि बंगाल के साथ भारत की स्पेशल वुमेन टीम को गठित किया जाए, जिससे कि वो महिला आयोग के साथ मिलकर के महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य कर सके। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।